नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज पर फटाफट खबरें, बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्य, सड़कों को छोड़कर एवं नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशलगांव, लाटघाट, लालगंज, सबसैया चिकित्सालय का निर्माण कार्य, डोडा विभाग के कांशीराम शहरी आवास योजना तृतीय चरण के अंतर्गत 700 NG2 भवन का निर्माण, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव का निर्माण कार्य, पर्यटन विभाग के अंतर्गत भैरव बाबा स्थल के पर्यटन का विकास कार्य, आवासीय तहसील मार्टिनगंज का निर्माण कार्य, शिक्षा विभाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरवा आजमगढ़, स्वास्थ्य विभाग का PHC छाव मोहम्मदपुर, प्राविधिक शिक्षा विभाग व राजकीय पॉलिटेक्निक मकराहत और अतरौलिया, राजकीय पॉलिटेक्निक भिलहली में महिला छात्रावास का निर्माण, समाज कल्याण विभाग का राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहनगर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसमें लगे हुए मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकरण तत्काल कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मजदूरों के पंजीकरण की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा शहर भर में अवैध रूप से बेच रहे पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाकर 7 लोगों को विस्फोटक अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके पास से भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो भी बिना वैध लाइसेंस के पटाखा बेचेगा और भंडारण से ज़्यादा क्षमता में पटाखा रखेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जितना रखने का लाइसेंस हो उतना ही पटाखा का भंडारण करें। क्या कुछ कहा इस आजमगढ़ में आपको सुनवाते हैं। देखिए ये घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए ये चेकिंग लगातार की जा रही है और चेकिंग के दौरान ही ये पटाखे बरामद हुए हैं और इन्हें जेल भेजा जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में यदि किसी और के पास अगर बिना अनुमति या बिना किसी वैध परमिशन के अगर वैध लाइसेंस के अगर पटाखे मिलेंगे तो उसके खिलाफ और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर फूलपुर तहसील प्रांगण में मुख्य अतिथि व उपजिलाधिकारी रायवेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि CEO फूलपुर जितेंद्र कुमार के द्वारा पंकज राय को ब्यूरो चीफ दिल्ली को सम्मान किया गया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक प्रभु नारायण पांडे एवं जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, सभी सम्मान पत्रकार साथियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद पंकज राय ब्यूरो चीफ दिल्ली ने सबका आभार व्यक्त किया। इस बाबत क्या कुछ कहा CEO जितेंद्र कुमार व जिला उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने आपको सुनवाते हैं। पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चले ताकि हम क्राइम कंट्रोल करने में सक्षम हो और छोटी से छोटी घटना जो हमें से छुपी हुई होती है उसे वर्कआउट करने में हम पत्रकार बंधु का लाभ लेके उसे वर्कआउट करने में सक्षम। मंडली जिला अस्पताल में दर्द से तड़प रही महिला को डॉक्टर देखने तक नहीं आए। जिला अस्पताल की महिला सर्जिकल वार्ड में पीट नंबर 15 पर भर्ती मालती देवी के पेट में दर्द होने की शिकायत को लेकर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने आए थे, जहां डॉक्टर ने उनको भर्ती कर लिया लेकिन सही उपचार न होने से महिला घंटों दर्द से तड़पती रही। लेकिन भगवान के रूप कहे जाने वाले डॉक्टर महिला को देखने नहीं पहुंचे। जब महिला के पति ने कई बार वहां तैनात स्टाफ नर्स से कहा तो नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब 8 बजे ही आएंगे। महिला के पति ने बताया कि 3 घंटे से पेट में असहनीय दर्द हो रहा है, मैंने कई बार डॉक्टर को बुलाने की बात कही पर डॉक्टर का कोई अता पता नहीं चला। वहां पर तैनात स्टाफ ने जो दवाइयां बाहर से लाने को कही मैं लाया भी, फिर भी महिला को दर्द से राहत नहीं मिली। क्या कुछ कहा पीड़ित महिला के पति ने आपको सुनाते हैं। 8 बजे 5 6 7 बजे क्या हुआ इनको? पेट में दर्द है। पेट में दर्द है, उनका क्या नाम है? मालती देवी। तो जब से भर्ती हैं तब से कुछ उपचार या इलाज हुआ है? नहीं। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तब से आए कि नहीं देखने? डॉक्टर देखे नहीं। ये आपकी पत्नी दर्द से कब से तड़प रही हैं?
अभी 3 घंटा हो गया। तब से कोई डॉक्टर आया नहीं? आप गए डॉक्टर के पास या स्टाफ से? मैडम से गए तो कहीं डॉक्टर डॉक्टर तो है नहीं, 8 बजे आएंगे तो हम तब से इंतजार कर। क्या आपने ये बताया कि मरीज दर्द से तड़प रहा है? हाँ, बताया है। हाँ, उसके बाद भी डॉक्टर नहीं आए? बाहर से दवा कुछ लिखे हैं तो ले आए, इंजेक्शन लगाए, वो काम भी नहीं कर रहा। सीरे लिखे हैं, लाए देखिए, लगा रहे लगाए। ये दवा बाहर से ले आए हैं? हाँ। कितने की लाए हैं? 30 रुपये। अच्छा, दवाएं बाहर से सारी ला रहे हैं? नहीं, 2 लिखे थे कि इंजेक्शन लगाए थे 65 रुपये का, 1 लिखे लाए। ये 3 घंटे दर्द से तड़प रही हैं, कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं, कोई चेक। न्यायालय पर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी आजमगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन एवं बिना पंजीकरण के खाद कारोबार करने वाले जनपद के कुल 16 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 1,29,000 अर्थदंड आरोपित किया गया है। 1 माह के भीतर इनके द्वारा अर्थदंड जमा किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा इनके लाइसेंस पंजीकरण निलंबित करते हुए भू राजस्व के रूप में इनसे वसूली की जाएगी। उक्त 16 खाद कारोबारकर्ताओं में शिवानंद यादव निवासी सुराई थाना मुबारकपुर, अनिल कुमार जायसवाल निवासी मातबरगंज आजमगढ़, बिरजू प्रजापति निवासी अमिलो मुबारकपुर, सरफराज आलम अखिलेश कुमार निवासी मुबारकपुर, सतीश कुमार गुप्ता निवासी बिलैसा, गुड़िया मौर्या निवासी जमुई मुबारकपुर, उमेश कुमार गुप्ता निवासी कटघर लालगंज, अमरचंद्र निवासी ग्राम पोस्ट लालगंज, संजय पाठक निवासी रामपुर जहानागंज, पप्पू गुप्ता निवासी रामपुर जहानागंज, धर्मजीत निवासी मनियालपुर लालगंज, अमरचंद्र निवासी ग्राम पोस्ट लालगंज, संजय पाठक निवासी रामपुर जहानागंज, पप्पू गुप्ता निवासी रामपुर जहानागंज, धर्मजीत निवासी मनियालपुर थाना निजामाबाद, मनीष कुमार निवासी रैदोपुर कोतवाली, सुधीश कुमार सोरसिया निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज तथा गुलाब चंद गुप्ता शामिल हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा जारी समय सारणी के माध्यम से छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा को 15 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। कई विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा यह अवगत कराया गया है कि छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उन्हें अंक नहीं दिए गए हैं। जबकि छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वरीयता निर्धारित हेतु गत वर्ष के अंकों की शिकायत आवश्यकता होती है। गत वर्ष सेमेस्टर के अंक के अलावा अथवा गत वर्ष सेमेस्टर से पूर्व वर्ष के अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारण पर निर्णय लेने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वरीयता निर्धारण हेतु आपको अलग से सूचित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के जीत बहादुर सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र डीएवी डिग्री कॉलेज के पूर्वाबंधा रोड मोहल्ला रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ संजय श्रीवास्तव घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम कोलघाट तहसील सदर थाना कोतवाली परिसर में नई बिल्डिंग मोहल्ला मातबरगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ आसिफ के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम फदगुदिया तहसील फूलपुर और कल्पनाथ के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम इटकोहिया तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की होने की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, पुलिस मुठभेड़ में इनामिया बदमाश गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जिले भर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दीदारगंज पुलिस ने D71 गैंग का सदस्य व 25,000 की इनामिया एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रवीण है। इसके पास से पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ ही कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके ऊपर आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व इसका साथी मुकेश गौतम, जो 25,000 का इनामी था, मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे गोली भी लगी थी, और मुठभेड़ के समय मौके का फायदा उठाते हुए प्रवीण फरार हो गया था। क्या कुछ कहा है आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। दीदारगंज क्षेत्र में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है प्रवीण। 2 दिन पहले एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें 25,000 रुपये का इनामी मुकेश गौतम घायल हुआ था और उसका साथी प्रवीण मौके से भाग गया था, वो भी 25,000 रुपये का इनामी था। वो आज गिरफ्तार हुआ है और उसके ये 25,000 का इनामी बदमाश है और ये एक शातिर अभियुक्त है और इस पर पहले से लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत। क्या बरामद की इसके बाद से भी असला बरामद है और कुछ और वस्तुएं बरामद है। कितनी बार जेल जा चुका है सर? देखिए, ये पहले अभी इसके जेल जाने का क्रम मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी और जानकारी करनी, लेकिन कई केसेज में वांटेड था।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जिले भर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 3 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 1 रिवाल्वर, 2 तमंचा व मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साथी बदमाश ने कुछ दिन पूर्व एक महिला से चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था और आज भी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने आपको सुनाते हैं। देखिए, ये थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 3 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से 1 रिवाल्वर, 2 तमंचा और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लोग अभी 8 तारीख को एक महिला के साथ स्नैचिंग हुई थी, जो कंठी की हुई थी, वो ये लोग किए थे। ये तीनों शातिर बदमाश हैं और उस दिन भी ये कल जब इनसे इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ये एक घटना करने के फिराक में वहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये शातिर बदमाश हैं और इनके पास से 3 असला बरामद हुए, मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद की शहरी परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों हित अनुपूरक पोषाहार के अंतर्गत दाल क्रय किए जाने के संबंध में जिला निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों में 6 माह से 3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री माता, 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरी एवं अति कुपोषित बच्चों को गेहूँ, चावल, दाल, दूध की उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए जिला निगरानी समितियों द्वारा दाल क्रय किया जाएगा। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि दाल क्रय किए जाने के लिए ई टेंडरिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही दाल क्रय करने के उपरांत आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि दाल क्रय किए जाने के लिए गुणवत्ता व मात्रा पर विशेष ध्यान दें। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा महाराजगंज ब्लॉक के प्रतापपुर ग्राम सभा में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मौजूदा ब्लॉक प्रमुख रुदल सोनकर द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के कई खिलाड़ियों ने कई खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें 3000 मीटर, 1500 मीटर दौड़ के साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, दंगल जैसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के युवाओं को खेलकूद के प्रति जागरूक करना और उन्हें राष्ट्रीय मानक के आधार पर खेलकूद के प्रति संवेदनशील बनाना रहा। प्रतियोगिता का समापन खंड विकास अधिकारी आकाश सिंह द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतापपुर ग्राम सभा के प्रधान मनीष सिंह, अलंकार सिंह, सत्यप्रकाश मिश्र, धर्मेंद्र सिंह और दशरथ यादव मौजूद रहे। भाजपा की प्रदेश सरकार जहां व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी लेती है और पुलिस अधीक्षक द्वारा भी व्यापारियों आम आदमियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश देते रहते हैं कि कहीं कोई निरपराध हो, निरपराध को सजा ना मिले और दोषी को बख्शा ना जाए, लेकिन आजमगढ़ में एक नज़ारा अलग ही देखने को मिला, जहां सड़क पर खड़े शहर के मुकेरीगंज निवासी एक व्यवसायी को वर्दी की धौंस में बदरका पुलिस चौकी के इंचार्ज द्वारा सरियाम पिटाई की गई और गाली भी दी गई और उन्हें कालर पकड़कर घसीटते हुए कोतवाल लाया गया, जहां पीड़ित व्यवसायी ने कोतवाल को पूरी घटना की जानकारी दी। फिर कोतवाल के गुप्ता के निर्देश पर व्यापारी को छोड़ दिया गया। इस घटना से आहत पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। व्यापारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि घटना की जांच की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि यदि पुलिस को लगता था कि व्यवसायी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि सरियाम भीड़ के बीच इस तरह की पिटाई। वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि व्यापारी द्वारा चौकी इंचार्ज के साथ बदतमीजी की गई है। चौकी इंचार्ज ने जो कुछ किया है वह आत्मरक्षार्थ के लिए किया है। क्या कुछ कहा पीड़ित सूरज जायसवाल ने और पुलिस अधीक्षक ने, हम दोनों लोगों की बारी बारी से आपको बात सुनवाते हैं। कल का जो घटना हुई है पुरानी कोतवाली पे, उसका पीड़ित मैं ही हूँ। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अपना काम अलवर से करके पुरानी कोतवाली के रास्ते अपने आवास मुगेरीगंज की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जाम लगा हुआ था। जाम लगने के कारण मैं अपने साइड में अपने व्यापारी से बात कर रहा था। अभी वहाँ के एक चौकी इंचार्ज साहब, जिनका नाम श्री शिव कुमार कुशवाहा जी है, वो आए और मुझको आते ही मुझको माँ की गाली दिए और बोले कि यहाँ तुम जाम लगाए हो। तो मैंने बोला, सर मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन आप सर गाली क्यों दे रहे हैं, आप चालान कर दिए होते हैं। इतना ही कहने पे उन्होंने मुझको बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे मारा पीटा और लात से भी मारे और हाथ से भी मारे। फिर मेरे कॉलर वॉलर पकड़ के मुझको एज ए क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए वहाँ पर और मुझको लेके कोतवाली गए। तो कोतवाली पे जाने के बाद मैंने पूरी घटना
कुदवाल साहब को बताई कि सर मैं फला व्यापारी हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ इस शहर का, और मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया है पूरे भरे बाजार में, वहाँ पे 500-100 लोगों की भीड़ के बीच में, बताइए ये उचित व्यवहार है? इतना ही कहने पे मेरे कुदवाल साहब ने मुझको मेरी बाइक की चाबी दी और बोला कि आप जाइए, कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने इसका वीडियो वायरल हो गया था, मैं इसका एक ज्ञापन पत्र मैंने माननीय कप्तान साहब को, एसपी साहब को कल शाम में उनके आवास पे जाकर दिया, तो एसपी साहब ने वो ज्ञापन पत्र को नॉलेज में लेते हुए मुझको ये आश्वासन दिया कि आपका जो ये शिकायत पत्र है इस पर उचित कार्रवाई करके डिसीजन लिया जाएगा, और मुझको मेरा नंबर नोट किया एसपी साहब ने और मुझको घर जाने के लिए बोला। बाकी सब वीडियो आपके हाथ में है, साथ में है, बाकी मैं तो न्याय की गुहार लगाता हूँ पुलिस से, प्रशासन से, अपने मीडिया बंधुओं, भाई बंधुओं से कि भाई एक आम आदमी के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो एक आम आदमी कैसे रहेगा, एक व्यापारी कैसे अपना काम करेगा, कैसे घर से निकलेगा? जी धन्यवाद। देखिए वो वीडियो मैंने भी देखा है और आपने भी वो वीडियो देखा होगा, वो व्यक्ति खुद चौक इंचार्ज के साथ बदतमीजी कर रहा है और उससे मारपीट करने को उतारू हो रहा, तो जो कुछ भी किया है चौक इंचार्ज ने वो आत्मरक्षा में किया है, और आत्मरक्षा करना और अगर कोई हमलावर होता तो उसे उसी भाषा में जवाब देना, ये उसका अधिकार भी है, कानून प्रदत्त भी है, इसमें मुझे और कुछ नहीं कहना। ठीक सर। आजमगढ़ में संघर्ष सामाजिक संगठन ने प्रदेश की कार्य समिति की बैठक प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आजमगढ़ के नगर स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक गोपाल कृष्ण दुबे व संचालन स्वरूप उपाध्याय ने किया। बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा व पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों को अंग वस्त्रम व देकर सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष सामाजिक संगठन के संरक्षक गोपाल कृष्ण दुबे ने कहा कि संगठन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा और हर जरूरतमंदों की मदद करने का भरपूर प्रयास करेगा। श्री दुबे संगठन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1 दिसंबर 2020 तक पूरे प्रदेश के में ब्लॉक स्तर तक संगठन तैयार कर दिया जाएगा। संगठन के विस्तार के कड़े आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पटेल को मनोनीत किया गया। मनोनयन पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा कि संगठन के उद्देश्यों पर चलकर संगठन के उद्देश्य को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा और हर जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसा कि इसका नाम रखा गया है संघर्ष सामाजिक संगठन, तो संघर्ष जितने भी जहां पर भी इस संगठन से हो सके, जहां जहां पर सामान्य लोगों तक अनलीगल कार्य हो रहे हैं उनको सही तरह से हम स्थापित कर लें, जीवित कर लें, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि अधिकारियों के यहाँ उन समस्याओं को जब लिख के दिया जाता है जनसामान के द्वारा, तो कहते हैं कि कार्रवाई तो होगी, कागजी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उस पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए इस संगठन के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से मैं उनको आह्वान करूँगा और दिन प्रतिदिन इसको मजबूत करते हुए अपने पदाधिकारियों के, अपने संगठन के माध्यम से, अन्य सहयोगियों के माध्यम से, अगर अधिकारी न सुने उसकी अनुसुनी कर दी जाए तो उसको पुरजोर से अधिकारियों समक्ष रखना होगा और अपनी बात को मनवा करके ही रहना होगा, ही इसका उद्देश्य है। क्या गोपाल जी, आपका सही है तो मानना है संघर्ष सामाजिक संगठन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएगा, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहे हैं? भ्रष्टाचार जिस तरह से फैल रहा है, संघर्ष का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को रोकना ही, जैसा कि कहना नहीं कि रोकना है, जहाँ तक हमारा बस चलेगा, जहाँ तक हम लड़ सकते हैं अंतिम लड़ाई तक, उस लड़ाई को लड़ेंगे और उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे संगठन के माध्यम से। आने वाले समय में क्या जनपद आजमगढ़ को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जैसा कि आज आपने जिलाध्यक्ष मनोनयन किया है? आने वाले समय में हमने जिलाध्यक्ष आज मनोनीत किया 10 विधानसभाओं में, 2200 ब्लॉक में, और मीडिया प्रभारी तक हम इस संगठन के माध्यम से अपने पूरे जिला में मजबूत करेंगे इस संघ को, और मजबूत करके कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग तक उनके आवाज़ को, उनके दर्द को इस संगठन के माध्यम से सुना जाएगा और अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। संगठन का सर यही उद्देश्य है कि जैसे कि हम लोगों को एक मतलब सच के रास्ते पर चलना है और दिखावटी मतलब कार्य को नहीं करना है, कि मतलब कि लोगों की तरह जो कंबल बांटना या तरह तरह का जो कार्य है उसको मतलब कि
ईमानदारी से और सच्चाई से ही मतलब उसको लगन पूर्वक करना है। यातायात माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ सुधीर जायसवाल के निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार व TSI कौशल पाठक द्वारा पुलिस लाइन सभागार में शहर के प्रतिभा निकेतन स्कूल, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, सिबली नेशनल कॉलेज, फाइन आर्ट सेंटर मरियम, चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा यातायात जन जागरूकता अभियान 2020 के उपलक्ष्य में पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, अध्यापकगण व उनके परिजनों को पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार द्वारा यातायात के नियमों तथा मिशन शक्ति के तहत जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, गोल्डन आवर्स, 1090, 1076, 112 आदि नंबरों की जानकारी दी गई तथा सभी को जागरूक किया गया कि जिसमें बाबा विश्वनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी मिश्रा एवं अभय महिला सेवा संस्थान के सचिव अनामिका सिंह पालीवाल, शरद गुप्ता, विनोद कुमार प्रजापत का विशेष योगदान रहा तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 45 लोगों का ई चलान के माध्यम से चलान किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने जिला महामंत्री ई शिला भारती के साथ आई हुई राधा, गीता गौड़, अनिता, प्रियंका, मीला गौड़, प्रंशिला, मंजू, सुनीता, प्रभावती देवी, ममता गौड़, रीता गौड़, जोशीला निषाद से 30 महिलाओं को कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि लगातार कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आज इन महिलाओं के कांग्रेस में शामिल होने से जनपद में कांग्रेस और मजबूत हुई है। कांग्रेस महामंत्री शीला भारती ने कांग्रेस में शामिल सभा महिलाओं का स्वागत किया और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने पर बधाई दी। इस मौके पर तेज बहादुर यादव, पुनवासी प्रजापति, दिनेश यादव, ओंकार पांडे, अजीज इमाम, विवेक राय, प्रिंस सिंह राजपूत, सलमा सितारा आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अपराध व अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वह कितने भी प्रभावशाली हों, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हो या विजय मिश्रा। इसी क्रम में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत जैनपुर द्वारा माफिया कुंटू के मकान पर नोटिस चस्पा की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर माफिया कुंटू सिंह के मकान पर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा की गई है। माफिया कुंटू सिंह के ऊपर पूर्व विधायक सर्वे सिंह सीपू की हत्या सहित 65 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से कुंटू समर्थकों में खलबली मच गई है। ज्ञात हो कि कुंटू सिंह जेल में रहते हुए अपने गुर्गों द्वारा पूरे प्रदेश में अपराधियों का एक संगठित गिरोह चलाता है, जो सड़क निर्माण से लेकर के सरकारी विभागों में ठेकेदारी व वसूली शामिल है। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे प्रदेश में चला रहा है। इसके तहत आजमगढ़ के मुबारकपुर में STM सर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार आजीज के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ टीम JCB मशीन और पुलिस फोर्स के साथ स्थानीय रोडवेज चौक से लेकर बाजार चौक तक दाखिल हो गई और रास्ते में जो भी अतिक्रमण मिला उसे बिना किसी भेदभाव के ध्वस्त कर दिया गया। वर्षों से टीन सेट, कुमटी, ठेले, चबूतरे, पहले और चौकी वगैरह लगाकर दुकानदारी करने वालों को भी नहीं बख्शा गया। सार्वजनिक भूमि पर चबूतरा बनाने वाले और अतिक्रमण करने वाले, टीन सीट डालने वालों पर सबसे ज़्यादा गाज गिरी और सभी चबूतरे व टीन सीट JCB मशीन द्वारा हटा दिए गए। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अनेक लोगों ने अपना अतिक्रमण बचाने का प्रयास किया है। सियासी दबाव डालकर अतिक्रमण रोकने का प्रयास किया गया, किंतु ईमानदारी व निष्पक्षता के मामले में सुर्खियों में रहने वाले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट STM
सदर गौरव कुमार के आगे किसी की पहुंच अपना काम नहीं कर सकी और एक तरफ बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के सारे अतिक्रमण हटा दिए गए। अंत में एसडीएम सदर द्वारा लोगों को चेतावनी भी दी गई कि दोबारा आने से पहले वह अपना अतिक्रमण सुरक्षा के साथ हटा लें, अन्यथा हमारे द्वारा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जिसमें नुकसान उन्हीं का होगा। इस अभियान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी कमलेन दुबे पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। इसके अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजपत वैस, राजस्व निरीक्षक विनय सिंह, कानून गोयम राजन चौधरी सहित नगर पालिका के दर्जनों कर्मचारी व सभासद मौजूद थे। इस बाबत क्या कुछ कहा गौरव कुमार आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने, सुनवाते हैं आपको। वहीं से कहा था कि अभियान जारी रहेगा, उसी के क्रम में आज जो है अभियान चलाया गया है, आगे भी ये जारी रहेगा। जितना भी अवैध अतिक्रमण है नालों पर या फिर जितनी भी इंटरलॉकिंग है जो नगर पालिका द्वारा लगाई गई है, उस पर जो भी अतिक्रमण है बार बार उसकी अनाउंसमेंट की जा रही है, नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी यदि कोई नहीं हटा रहा है तो फिर उसको किसी तरह फोर्स यूज़ करके फिर हटाया जाएगा। सर जैसे मुबारकपुर में अभी जो आप देखते हैं जिस तरीके से आज आपने हटाया है और उससे जो है काफ़ी जो है मतलब रास्ते क्लियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या सामने भविष्य में ऐसे नजर आएंगे सर? देखिए जैसा अतिक्रमण हटाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी रोड हैं या फिर रास्ते हैं लोगों के आवागमन जो है सुगम बने, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह रहे, वाहन आसानी से निकल पाए, जाम ना लगे, तो लोगों के लिए ही ये सब किया जा रहा है और आगे भी ये चीज़ जारी रहेगी ताकि सुगमता बनी रहे मार्गों की भी और भीड़ भाड़ ना हो। नगर पालिका के आप कुछ कहना चाहेंगे सर नगर पालिका के अधिकारियों को? नहीं, नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं कि लगातार ये अभियान जारी रहेगा और इसमें जितने भी उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो लगातार जो है मॉनिटरिंग करेंगे इस चीज़ की कि जो पुनः अतिक्रमण ना किया जाए जिनका हटाया जा रहा है, और उनको लगातार टोकाटाकी की जाए कि यदि दोबारा उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो फिर जुर्माने की भी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। थैंक यू सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत में नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। नोटबंदी से उन्हें तकलीफ पहुंची है जिन्होंने अभी कालाधन नहीं बनाया, जिन्होंने कालाधन बनाया वे देश छोड़कर चले गए, चलन में जो रुपया था वही रिजर्व बैंक में वापस आ गया, बाहर का कालाधन वापस नहीं आया, जीडीपी में भारी गिरावट आ गई है, यह अपारंपरिक फैसला था, भाजपा ने साजिशन चुनाव जीतने के लिए यह सब किया है। श्री यादव ने कहा कि नोटबंदी से गरीब किसान नौजवान को कुछ नहीं मिला, व्यापार खत्म हुआ, भाजपा ने देश की जनता का भरोसा छोड़ दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने 22,000 बार झूठ बोला था, अपने देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के झूठ की गणना कर ली जाए तो संख्या लाख तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब वैसे भी बदलाव के मोड़ में है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतों का अंत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों की भर्ती का वादा किया था, मुख्यमंत्री को याद नहीं कि किसान को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, उसके इस्तेमाल का डीजल महंगा कर दिया, भाजपा नहीं बता रही है कि उसने कहां बिजली बनाई है, मीटर में गड़बड़ी है, ज़्यादा बिल वसूला जा रहा है। महंगाई की चर्चा में कहा कि लोहिया जी की दाम बांधो नीति लागू होगी।